मैं अहमद पांडे, आप लोगों का अपने YouTube चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा आप लोगों से। आज का मेरा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कंप्यूटर से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे आप ट्रिपल सी कर रहे हो, चाहे आप ओ लेवल कर रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड आप ADCA, DCA, PG, DCA इस टाइप के कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे हार्डवेयर में आप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोर्सेस कर रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर कोर्स आप कर रहे हो, कंप्यूटर से किसी भी तरीके से आप जुड़े हैं, तो कंप्यूटर में बेसिक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। यहां तक कि मोबाइल की हैंडलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत की जाती है, बिकॉज आज के टाइम में स्मार्टफोन चल रहे हैं और स्मार्टफोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका iOS इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, जिसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का से यही व्यक्त होता है, ऑपरेट मतलब होता है चलाना, ऑपरेटर होता है चलाने वाला, और जिस पर चलता है कोई भी चीज, संचालित किया जाता है, वो संचालन की जो तकनीकी है, जो प्रणाली है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को संचालित करते हैं, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का संचालन संभव नहीं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पिछली क्लास में मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास में आपको बताया हुआ था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड CCC, O-Level इन सब में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी कंप्यूटर कोर्स का, और कंप्यूटर के संचालन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम कंप्लीट समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये हम सब कुछ जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने भी एक नाम लिया आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, आप उसको जानते हैं, फर्स्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सोल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर की आत्मा हम कह सकते हैं। कोई भी हार्डवेयर तब तक निष्क्रिय होगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते बहुत लोग हैं कंप्यूटर, बट उनको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आप ध्यान से देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं इसको डीपली आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझें, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लें। आउटे में आप अगर समझें तो OS बोलते हैं लोग, आज के टाइम में हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म सर्च किया जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ हार्डवेयर हम कह सकते हैं, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है, एक मध्यस्थता का काम करता है, जो यूजर किसी भी कंप्यूटर की हैंडलिंग जो करते हैं उसमें बीच में जो मध्यस्थ होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर है, एक बेस सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर को क्रियान्वित करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर है, और सारे एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पहले तो हम इंटरफेस के माध्यम से समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। इंटरफेस मतलब मीडियम, माध्यम, जिस माध्यम से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। जैसे आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ाई करते हैं, वैसे किस मीडियम पर, किस माध्यम, क्या माध्यम है सिस्टम को ऑपरेट करने का, वो है आपका CUI-based एंड GUI-based। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर और ग्राफिकल यूजर में अंतर क्या है? जैसे कोई भी
विषय आपको व्यक्त करनी है और उसको कमांड बेस पर आप रिटेल में उसको बताते हैं, वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, और जो ग्राफिक सिंबॉलिक तरीके से आप चार्ट डेवलप करते हैं उसे आप ग्राफिकल यूजर कहते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं। इट मींस जो सिस्टम कमांड बेस पर चलता है, कैरेक्टर बेस पर, रिटेल बेस पर काम करता है उसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम आपका ग्राफिक्स पर वर्क करता है, ग्राफिकल सिंबल्स पर काम करता है उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एक सबसे सटीक एग्जांपल है आपका डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज किया जाता था, अब तो डॉस एक नाम मात्र रह गया है, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से विंडोज पे वो इनबिल्ट है। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया, पहले डॉस नेम से था एमएस डॉस, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से अभी भी एसएसडी में मिल जाता है। तो वो एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी और उसमें आपको कैरेक्टर्स लिखने होंगे, इट मींस कमांड्स देने होंगे, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं आप। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जो हम सिंबॉलिक आइकॉन्स या ग्राफिक्स के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो संस्करण आए हुए हैं ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, आपका लिनक्स है, एंड्रॉइड है, ये सब आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही आते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करना बहुत ही आसान है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की अपेक्षा। तो आप ऐसे समझें कि इसका एक सटीक एग्जाम्पल है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, और जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे विंडोज आप कह सकते हैं, विंडोज है आपका जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम यहां एग्जांपल में थोड़ा सा लिख देते हैं एमएस डॉस, और हमने यहां सिंपल में लिख दिया विंडोज, विंडो। अब हम देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम सोर्स के आधार पर सिस्टम को डिवाइड करते हैं, क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स। तो आप देखें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको दो तरीके से बांटा गया हुआ है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर उसके प्रकार को देखें तो कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और डीप में जाकर के उसका इंटरफेस के आधार पर, उसके सोर्सेस के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे जीयूआई बेस्ड के अंतर्गत हम देख लेते हैं जो यूज होते हैं, जीयूआई बेस्ड ही दोनों है, चाहे वो ओपन सोर्स देखिए चाहे आप क्लोज सोर्स देखिए। तो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में अंतर क्या है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, वह ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स में कहा जाता है। और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मींस कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका लाइसेंस हमें परचेज करना हो और उसको हम बिना फी चार्ज के, बिना चार्ज के उसको हम अपडेट ना कर सकें, उसको हम मॉडिफाई ना कर सकें, वह ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहां स्पेस थोड़ा सा कम है, हम इधर देख लेते हैं। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये है आपका लिनक्स, लिनक्स ओएस, इसी का वर्जन है आपका उबंटू, उबंटू ओएस। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखें तो जो आपका एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ओएस जो होता है, एंड्रॉइड बहुत लोग बोलते हैं एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन मतलब फोन का नाम एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड ओएस यूज किया जाता है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको जब चाहे हम, जब नया अपडेट आए तो उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। का मतलब आपकी जो जो आप कोई भी मोबाइल खरीद रहे हैं उस मोबाइल के साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। बट अगर आप एप्पल का फोन, आईफोन आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपका आईओएस जो इनबिल्ट होता है उसका भी चार्ज अलग से पे करना होता है। तो ये जो फ्री में आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं उस सॉफ्टवेयर का कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, वो आपका ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से क्लोज सोर्स में हम देख लें विंडोज ओएस जो है आपका,
ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। अब विंडोज ओएस के अंतर्गत बहुत सारे संस्करण आते हैं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूं, उसके वर्जन्स तो बहुत है। मैंने आपको बताया कि विंडोज में विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 98 एससी, एमई 2000, विंडोज एक्सपी, एक्सपी में सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, विंडोज एक्सपी अनलिमिटेड, विंडोज एक्सपी एनटी, विंडोज 7, विस्टा 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10, ये सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण है, वर्जन है। क्लोज सोर्स में ही आपका मैक आता है, जिसे मैसेंटोस कहते हैं, मैक ओएस जो होता है वो लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, जो एप्पल कंपनी के लैपटॉप्स आते हैं वो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, उसमें एक ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मोबाइल के लिए हम देखें, मोबाइल के लिए आईओएस, जो एप्पल फोन होते हैं, आईफोन जो होते हैं, उसमें आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्लोज सोर्स के अंतर्गत आते हैं, ईटीसी कर लेते हैं एक्सेट्रा कि और भी हैं। तो ये कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्लोज सोर्स में है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहां दिए हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो डिवाइस का ही हमें केवल रेट देना होता है, उसके साथ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। बट अगर हम विंडोज का फोन लेते हैं या विंडोज का लैपटॉप लेते हैं, विंडोज भी एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ओएस जो मोबाइल के लिए यूज किया जाता है, मोबाइल के लिए जो यूज होता है, ये भी मोबाइल के लिए ही यूज होता है, ये डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए यूज होता है। तो इन सब में क्या है, डिवाइस के साथ उसका कॉस्ट भी, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी चार्ज जुड़ा हुआ होता है, इनबिल्ट होता है। अगर हमें रजिस्टर्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के लिए लेना है तो हमें उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें उसका चार्ज पे करना पड़ेगा। और यदि डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम का दोनों का चार्ज हमें पे करना जहां पड़ जाता है उसे हम क्लोज सोर्स बोलते हैं, और जहां हमें केवल डिवाइस का चार्ज देना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का चार्ज नहीं पे करना होता है, वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके प्रकार के आधार पर देखें, उसका जो टाइप है काम करने का उसमें, तो उसको आप देखें कई सारे हैं, मैं कुछ लिख दे रहा हूं आपके सामने। नंबर एक है आपका सिंगल यूजर ओएस, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग। देखिए मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग में अंतर होता है। मल्टी यूजर होता है जो एक कई सारे यूजर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय पर यूज कर सकते हैं, कई सारे यूजर्स वो मल्टी यूजर्स हो गया, और मल्टी टास्किंग मतलब एक ही समय पर कई सारे काम हम कर सके, वो आपका मल्टी टास्किंग में आता है। इसके बाद है आपका कई सारे हैं वैसे, मैं थोड़ा बताऊं, एक है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका इसमें जो विंडोज है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक आपका है मल्टी थ्रेडिंग ओएस। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जो अलग अलग तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो आपने समझा कि जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये प्रकार है। ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैंने लिखे हुए हैं, डॉस, विंडोज ओएस, लिनक्स ओएस, उबंटू ओएस, यूनिक्स ओएस, मैक ओएस, जिसे मैसेंटोस कहते हैं। इसमें हमने लैपटॉप डेस्कटॉप तथा मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लिखे हुए हैं। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो अभी कर लें, बिकॉज इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती हैं और मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।